क्या है, या किसे सिविल सूट, आपको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा, तब आपकी रेमेडी होगी। भाई हमारे पास क्या रेमेडी है, हम FIR दर्ज करके अगर चीटिंग में उसका चालान भी कर देंगे तो आपका पैसा थोड़ी मिल जाएगा उससे, उसके लिए तो लिक्विडिटी प्रोसीडिंग चलेगी, वो कोर्ट के आदेश से होगी। खाते सूट होंगे वहाँ से पैसा बरामद होता है, जैसा चिटफंड एक्ट में आपने देखा है अभी बरामद होता है क्या पैसा, कोर्ट के आदेश से होता है, कोर्ट एक लिक्विडेटर अपॉइंट करती है। मैं वही बता रहा हूँ आपको, वो तो मेरे को ध्यान है आपका, जिसका मान लो उसको चीटिंग में बंद करेंगे, हाँ तो वो करो आप, तो जब साथ चलेंगे दोनों प्रोसीडिंग तभी होगा, क्योंकि हमारा ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, इसमें आपको किसी भी तरीके से धोखे में रख के पैसा थोड़ी लिया है, ITC की तो धारा में कवर नहीं होता ना ये। फिर भी ठीक है, FIR में तफ्तीश करेंगे, हमारा भाई हम आपकी तरफ से सिंपैथेटिक है, कोशिश करेंगे अगर आपका कोई पैसा भी आ जाए अपनी, पर देन पुलिस की अपनी लिमिटेशन है हैं, तो उसके लिए मैंने आपको रेमेडी बताई, आप एक सिविल सूट फाइल करो एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो एक जितेंद्र शर्मा करके हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि गुजरात की एक कंपनी है जिसने उनको एक ऑफर दिया कि वो LED स्क्रीन्स जगह जगह लगाएंगे जिन पे विज्ञापन चलते हैं, और उसके बाद वो उसके लिए आगे फर्दर कस्टमर्स ढूंढे, और वो कंबाइंड पैसे से लगेगी, और जो उनका किराया आएगा वो एक शेयर होल्डिंग की तरह, जो शेयर का प्रॉफिट होता है उसकी तरह, डिविडेंड की तरह सभी में बटेगा। तो इन्होंने इंटर्न करीब 800-900 लोगों को इसमें जोड़ा, तो सबने अपना अपना अमाउंट दिया, उसके बाद LED स्क्रीन्स लगी और करीब 9-10 महीने तक इनको किराया भी मिला, पर ये शायद जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से वो बंद है, अब इनको किराया नहीं मिला। अब वो तकाजा करते हैं तो इनका कहना है वो फ़ोन नहीं उठाते और वो कंपनी का ऑफिस भी बंद है। तो प्राइमा फेसी एक सिविल मैटर लगता है, परंतु इसमें क्या कोई क्रिमिनल इंटेंट था, क्या कोई धोखेबाजी की, क्या कंपनी भाग गई, हमने इसमें एक प्रकरण दर्ज कर लिया है, उसकी तफ्तीश करेंगे जिससे कि फिर आगे का डिटेल्स क्लियर हो जाए। सर, कंपनी की तरफ से कोई नोटिस भी दिया गया है उपभोक्ताओं को? ये अभी अब जांच में तथ्य आएंगे अभी मेरे को।